तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया। पंजशीर पर अब पूरी तरह से हमारा कब्जा, ये तालिबान ने बयान जारी किया है। पंजशीर में तालिबान का झंडा भी लगा दिया गया है। गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया है। तालिबान ने रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजशीर पर अब पूरी तरह से हमारा कब्जा, ये तालिबान ने बयान जारी किया है। पंजशीर में तालिबान का झंडा भी लग गया है। वहीं पर गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। कल गवर्नर हाउस पर तालिबान ने कब्जा किया था और आज वहां पर झंडा लग गया है तालिबान का। तालिबान ने रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वहीं पर तालिबान से लड़ाई में मारे गए पंजशीर के चीफ कमांडर, इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान से लड़ाई में मारे गए हैं पंजशीर के चीफ कमांडर। पंजशीर के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद मारे गए हैं तालिबान के द्वारा। तालिबान से लड़ाई में मारे गए पंजशीर के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद, नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद की मौत हो चुकी है। पंजशीर पर अब पूरी तरह से हमारा कब्जा, ये तालिबान ने बयान जारी किया है। पंजशीर पर अब तालिबान का झंडा लग चुका है। इस समय हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। ललन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया, क्या लगता है आतंकवाद का धुआं अफगानिस्तान के बाहर भी फैलेगा? देखिए, ये जैसा इंफॉर्मेशन आ रहा है तालिबान की तरफ से, हालांकि उन्होंने बताया कि एक घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनका होगा, हालांकि गवर्नर हाउस के ऊपर झंडा और उन्होंने ड्रोन से, और ये भी कंफर्म हो चुका है कि स्पेशल फोर्स पाकिस्तान 500 लोगों को नदियों के तरफ से इन्होंने घुसपैठ करके एक्शन अपना शुरू किया हुआ था कल शाम से। मैं मान के चलता हूँ जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, चाहे सालेह साहब के बारे में और चाहे मसूद के बारे में, लेकिन उनकी तरफ से भी इसको खारिज किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार जो NRF है, नॉर्दर्न अलायंस, इनके ऊपर दुनिया का कोई मदद नहीं है। अगर दुनिया इसको मतलब अगेंस्ट में नहीं है तो मदद भी नहीं है। जो पिछला इतिहास था वो आज नहीं है, लेकिन ये बड़े लड़ाकू हैं और पक्के इरादे के लोग हैं। तो ये मान के चलते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस अपनी तरफ से, जैसा उनका कहना है कि रोड के दोनों तरफ हम मजबूती से खड़े हैं, गांव में हमारा पूरा कब्जा है, ये केवल शहर में और बाहर के इलाके में मतलब अपने आप को बोल रहे हैं कि तब हमने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन हालात जो सच्चाई ये है कि अब नॉर्दर्न अलायंस के पास उतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो तालिबान को ज्यादा मतलब उनको रोक सके। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स का घुसपैठ और ड्रोन से हमला और हवाई हमला भी साथ साथ, और जो उनके ISI के जो लेफ्टिनेंट जनरल चीफ हैं वो 4 दिनों से वहां पे यही कर रहे हैं, वो पुराने फौजी हैं। ये प्लानिंग जो है सरकार बनाने से पहले पंजशीर को पूरी तौर से कब्जा, दुनिया को ये संदेश चला जाए, इसके बारे में ये अपना सोच और प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी है वो नॉर्दर्न अलायंस जितनी भी ताकत लगाएगा, लेकिन अब तालिबान का स्थिति मजबूत हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया भी जो है मुख्य दर्शक के तौर पर देख रही है। साले और मसूद का जो चिट्ठी UNO को भी गया है और देशों को भी उन्होंने लिखा था, उसमें किसी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये मान के चलते हैं कि कुछ दिनों में अलकायदा और IS और पाकिस्तान का अकानी ग्रुप जरूर दबाव में रखेगा और अफगानिस्तान सरकार के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के रखेगा। जी, जिस तरीके से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था 15 अगस्त को और अब पंजशीर पर कब्जा कर लिया, ललन सिंह जी, तालिबान अकेले इतना सक्रिय कैसे है? क्या अन्य देश भी इसकी मदद कर रहे हैं? एकदम आपने ठीक कहा। अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो US भी चुपचाप बैठा है, शक्तिशाली देश रूस भी बैठा है, ईरान केवल बोलता है कि साहब हम मान्यता नहीं देंगे, इंग्लैंड भी ऐसे ही अपना G7 के जितने देश है वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं, भारत भी अभी मुट्ठी को बंद करके रखा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि तालिबान को पाकिस्तान के तरफ से पूरी तौर से प्रत्यक्ष रूप से, जिसका
लेफ्टिनेंट जनरल उसके इंटेलिजेंस ग्रुप का हेड 3 दिनों से यही कर रहा है, जबकि पता चल रहा है कि हक्कानी और ब्रदर और उसका एक कसाई जो एक पुराना मतलब हक्कानी का मिलता जुलता नेता है आतंकी संगठन का, ये तीनों के बीच में वो समझौता कराने के कार्रवाई में है। और साथ साथ अपने 500 लगभग कंफर्म हो चुका है कि नदियों के रास्ते से इन्होंने अपने स्पेशल फोर्स कमांडो को एंटर करा दिया है, और हवाई हमला और पेशावर से इन्होंने ड्रोन और जो मतलब लड़ाकू विमान इन्होंने भेजे थे उसका इस्तेमाल हो रहा है। और यही कारण है कि नॉर्दर्न अलायंस अभी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि वो लड़ाकू ऐसे हैं पक्के इरादे के हैं, लेकिन अगर कुछ ही समय के अंदर अगर ये कंफर्म हो जाता है कि नॉर्दर्न अलायंस लगभग, लेकिन एक चीज पक्का बात है कि आने वाले दिनों में ये गृह युद्ध के तरफ जा रहा है, और नॉर्दर्न अलायंस अगर अपने आप को दबाव में भी रखता है तो वहां के लोग इस टाइप के इस तरह के कबीले हैं कि वो कभी भी तालिबान के साथ प्रेम से उनके साथ नहीं रह पाएंगे, और छिटपुट इस तरह की हरकतें होंगी कि दुनिया के लिए भी और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी ये थोड़ा सा का मतलब हालात पैदा होगा। और जरूरी है कि यूएनओ और दुनिया की जो संस्थाएं हैं जो एनजीओ हैं इसके ऊपर सोचे प्लान करें और दबाव बनाए, अगर जरूरत है तो लॉ एंड ऑर्डर और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाए। धन्यवाद ललन सिंह जी इस तमाम चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पंजशीर पर तालिबान ने झंडा लगा दिया है और पंजशीर पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।